हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे गुड़ के पारे। मकर संक्रांति पे आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छी सीक्रेट रेसिपी के साथ में ये मैंने गुड़ के पारे बनाकर तैयार किए हैं, एकदम मार्केट के जैसे। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये गुड़ के पारे बनकर तैयार होते हैं। आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पर हमने लिया है एक बड़ा बर्तन, इसमें छलनी रखेंगे और इसमें हम छान लेना है 1.5 कप मैदा। तो इसको हम मैदे से बनाएंगे और एक इसमें सीक्रेट डालेंगे जो कि बिल्कुल हमारा टेस्ट बिल्कुल बाज़ार के जैसा आएगा। और यहाँ पर डालना है हमें सीक्रेट 2 चम्मच बेसन। तो हमें ये बेसन का इस्तेमाल करना है। इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे और इसको भी हम छान लेंगे। साथ में हम 1 चुटकी इसमें नमक ऐड कर देंगे जो कि हमारे टेस्ट को बैलेंस करेगा। तो अंदर से पारे अच्छे से होने चाहिए। थोड़ा सा नमक डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, तो 1/2 कप से 2-3 चम्मच कम है इसमें हम ऑयल लेंगे। ये आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से हम इसको मुट्ठी बांधकर देखेंगे। मिक्स करने के बाद ये बन रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और डाल सकते हैं, ये कि बनना चाहिए ये आटा। तो ये देखिए, इसका हम डो लगाएंगे। अच्छा सा टाइट हमें इसे डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे, अच्छा सा हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, डो हमारा रेडी है और इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाकर 10-15 मिनट के हम रेस्ट पर इसको रख देंगे। उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं। इस डो को हम 1-2 पंच और लगाएंगे। उसके बाद हम इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे। तो ये देखिए, 2 भागों में इसको बांट लेंगे और इसका एक पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। उसके बाद हम इसको रोटी से बेल लेंगे। तो ये देखिए, 2 भागों में मैंने इसको बांट लिया है। अब इस तरह से हम इसकी रोटी बनाएंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, ध्यान रखना है। थिकनेस में आपको बताऊंगी कितना मोटा रखना है। जैसे कि हमने मैदा मसाला काजू बनाए थे, सिर्फ उसी तरह की थिकनेस रखनी है। आप देख सकते हैं, इससे पतला रखेंगे तो पारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसको हम 1/2 इंच की चौड़ाई पर काटेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। 3 इंच का मैन साइज़ रखा है इसका पारों का, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। इसी तरह से हम सारे पारे बनाकर तैयार करेंगे और इसी शेप में हम बना लेंगे। तैयार कर लेने हैं हमें, तो सारे बनाकर हम तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, सारे फ्राई होने के लिए एकदम तैयार हैं। इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, इसको गर्म होने के लिए रखा है। तो थोड़ा सा आटा हम चेक करेंगे इसमें डालकर। आटे में बबल्स आने चाहिए, ये ऊपर एकदम से नहीं आना चाहिए। इस तरह का आपका तेल गर्म होना चाहिए। तो ये देखिए, फ्लेम को लो करेंगे और इसमें ये सारे पारे ऐड कर देंगे। तो इसको हम सीकने देंगे लो फ्लेम पर। और एक साइड से सीकने के बाद जब ये ऊपर आने लगे अच्छे से, उसके बाद हम इसको पलट देंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से सीक जाएंगे। तो लो फ्लेम पर सिकने में इसको 8 से 10 मिनट लगेंगे। लो फ्लेम पर हमें इसे पका लेना है। अब इसकी साइड को चेंज करेंगे। इस तरह से हम चलाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे और एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए, गोल्डन कलर आ चुका है, ये बहुत अच्छा खस्ता हो गए हैं। इसको हम निकाल लेते हैं। तो इन पारों को हम निकाल लेंगे। दोबारा से हम ऑयल को ठंडा करेंगे, उसी टेम्परेचर पर हमें लाना है ऑयल को। उसके बाद हम फिर से हम इसमें इसी तरह से पारों को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, एकदम से खस्ता ये हमारे पारे बनके रेडी हैं। तो अब हम गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। तो ये देखिए, सारे पारे कितने खस्ता बने हैं। तो यहाँ पर फिर से मैंने वो कढ़ाई ली है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम लो फ्लेम पर गर्म होने देंगे। तो 200 ग्राम हम इसमें गुड़ डालेंगे, थोड़ा छोटे हिस्सों में तोड़कर मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम या हाई भी नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात का। लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। 2 तार की चाशनी आने तक हम इसको इसी तरह से लो फ्लेम पर पका लेंगे, यानी कि 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकने में। फ्लेम को लो रखना है और इस तरह से हम चेक करेंगे। ये देखिए, 2 तार इसमें आ रहे हैं, चाशनी बन चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देना है। यहाँ पर 1/2 चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैं सौंफ डालूंगी। अगर आपको पसंद है इसका टेस्ट तो आप डालिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। पारे डालकर हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है।
जब ही आपको पारों को डालना है, और इस तरह से हम इसको लगातार चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। इसी तरह से हमारे पारे बनके रेडी हो जाएंगे। देखिए इसको मैंने ठंडा कर लिया है चलाते हुए, बहुत अच्छे से ये हो गए हैं। चलाते ज़रूर रहना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। और ये देखिए बहुत अच्छे हमारे ये पारे बनके तैयार हो गए हैं, गुड़ के पारे, और एकदम टेस्टी, ये बिल्कुल बाज़ार के जैसे बने हैं। और ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे हंसता ये हमारे पारे बनके तैयार हो गए हैं। तो आप इसको मकर संक्रांति पर भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी और आसान रेसिपी के साथ में मैंने ये बनाकर तैयार किए हैं। तो आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, बहुत अच्छे खस्ता बने रहते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।